हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पैश क्रिएशंस। मैं हूँ शिल्पी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मलाई कोफ्ता की रेसिपी। जनरली मलाई कोफ्ता जो है वो बटर नान के संग खाया जाता है। बटर नान की रेसिपी मैं आपके संग पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो अब हम लोग मलाई कोफ्ता बनाना आपको मैं वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये पटेटोज लिए हैं, आलू। ये मैंने बॉईल लिए हैं, 3 पटेटोज हैं जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये पनीर। पनीर मैंने ये 100 ग्राम लिया है, जिसको मैंने इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप मैश भी कर सकते हैं, बट कद्दूकस करने से क्या होता है, उसमें कोई भी लम्स नहीं रहता है। ये कैबेज और कैरेट है, बट आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इसका थोड़ा सा क्रंची जो टेस्ट आता है वो मुझे अच्छा लगता है मलाई कोफ्ता में। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये मैंने ग्रेट करके डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, जैसे रेड चिली पाउडर आधा स्पून डाला है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, ये भी आप आधा स्पून डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर फॉर द बाइंडिंग। और अभी मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। अब हम जो है इसको बाइंड करके देखते हैं कि अगर ये बाइंड हो रहा होगा तो जो है हम और कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे, अदरवाइज हम इसमें 1 चम्मच और भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने देखिए सब मिक्स कर लिया है, तो अब मैंने देखा इसके आराम से बॉल्स बन रहे हैं, तो हमें और कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हम अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बाउल जैसा भी आप चाहें ऐसे सारे बॉल बना लीजिए। ये सारे बॉल्स हमने बना लिए हैं। अब मैंने इसको फ्राई कर लिया है, फ्राई करने के प्रोसेस पे डाल दिया है। तो अब मैं फ्राई करने के लिए देखिए इसको लगा दिया है। अब ये फ्राई हो रहे हैं अच्छे से। अब इनको हमें गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। ये देखिए ये हमारे एकदम गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हमारे सारे कोफ्ते निकल आए। अब मैंने वही पैन ले लिया है जिसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा गार्लिक मैंने लिया है, 6-7 गार्लिक हैं, थोड़ा सा जिंजर है, अदरक है, वो मैंने थोड़े से ले लिए हैं। उसको हमें ऐसे ही चॉप करना है बिकॉज अभी इसको हमें पीसना ही है, तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैंने ले लिया है काजू। ये 8-10 काजू आप ले सकते हैं, वैसे आप अलग से भी काजू पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में फ्राई कर लूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब ये हल्के से मेरे काजू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये अनियन। अनियन भी मैंने चॉप करके ले लिया है, लंबे लंबे स्लाइस काट लिए हैं। ये अनियन को मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूंगी, बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा उसका कच्चापन निकल जाए बस इतना उसको फ्राई करना है। अब ये हमारा अनियन फ्राई हो गया है, तो अब हम ले लेंगे थोड़ा सा, ये मैंने टमाटर लिए हैं, तो ये 3 टमाटर हैं छोटे जिसको मैंने चॉप करके ले लिया है। तो थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ बिकॉज सॉल्ट डालने से टमाटर जल्दी हमारा पक जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब हम इसकी गैस ऑफ करके इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब ये देखिए मेरा ठंडा हो गया। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट कितना बढ़िया तैयार हो गया है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया पेस्ट तैयार हुआ है। तो अब मैं आगे के प्रोसेस पे चलती हूँ। मैंने वही पैन ले लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, और ये मेरे पास थोड़े से खड़े मसाले हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, और काली मिर्च और जीरा। इसको मैंने थोड़ा सा भून लेना है। ये देखिए ये मैंने अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें जो मैंने ग्रेवी पीस करके रखी हुई थी वो ग्रेवी इसमें डाल दूंगी। तो ये अब देखिए ये ग्रेवी हमने डाल दी। अब इसमें थोड़ा सा हम उसी में ही पानी डाल करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे बिकॉज ये बहुत जल्दी लगने लगेगी, तो ये जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ये अच्छे से ऑयल छोड़ने तक पक जाए। इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब कुछ पका हुआ है। तो बस थोड़ा सा पकने के बाद हम इसमें अपने ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है,
अब हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे कि ये बहुत ज्यादा लगती नहीं है बट कलर अच्छा आता है। ये थोड़ा सा हमने गरम मसाला लिया हुआ है और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से भी सॉल्ट डाल चुके हैं तो थोड़ा इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब बस हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पानी डाल करके ऐसे ही जैसे भी हम इसको पका लेंगे बढ़िया से। अब ये देखिए हमारी ग्रेवी एकदम बन के रेडी हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी इसका टेक्सचर है एकदम क्रीमी वाला। तो अब इसको सर्व करेंगे, लेकिन हम इसको सर्व ना इसमें मलाई कोफ्ता डाल के नहीं करेंगे। इसको हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम एक चम्मच ग्रेवी डालेंगे पहले, क्योंकि अगर हम ऐसे सर्व कर देंगे तो हमारे मलाई कोफ्ता जो है वो बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे। तो हम उसमें सर्व करते समय ऐसे उसमें दो कोफ्ते रखेंगे और ऊपर से थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे। हमें इसी तरीके से सर्व करना है, हमें अलग कोफ्ता रखना है और अलग ग्रेवी रखनी है, बिकॉज अगर हम एक साथ डालेंगे तो फिर वो बहुत सॉगी हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा मैंने ये क्रीम डाल दी, अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई का भी यूज कर सकते, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। और ये हमारी मलाई कोफ्ता की रेसिपी